हमारे देश को आजादी दिलाने में कई सारे देशभक्तों का योगदान रहा है। शहीद भगत सिंह उन नामों में से एक है। आज इस महान व्यक्ति का जन्म दिवस है। यह वो नाम है जिसे सुनकर हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े व्यक्ति के खून में एक जोश आ जाता है। हर व्यक्ति अपने देश के लिए भगत सिंह बनना चाहता है, शहीद होना चाहता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये देशभक्ति, ये क्रांतिकारी सिर्फ कुछ पल के लिए क्यों होती है या कुछ दिन के लिए? क्यों सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जाग उठता है? क्यों नहीं हमारा खून खोलता जब एक आदमी अपनी बीवी पर जुल्म ढाता है, जब एक अमीर एक गरीब पर जुल्म ढाता है, जब जवान बच्चे अपने बूढ़े मां बाप पर जुल्म ढाते हैं और जब एक नेता अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है? क्यों नहीं हमारा खून खोलता? हां सरेआम जब हमारी मां बहनों को बुरी नजरों से देखा जाता है तब कहां जाता है हमारे अंदर का ये भगत सिंह? कुछ मोमबत्तियां जला देने से या व्हाट्सएप प्रोफाइल ब्लैक कर देने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता मेरे दोस्त। एक समय पर हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला है। वक्त वैसा का वैसा ही है, हम आज भी गुलाम हैं पॉलिटिक्स के, करप्शन के, अनएम्प्लॉयमेंट के। मैं पूछना चाहता हूं कहां जाती है अंदर की ये क्रांतिकारी, ये देशभक्ति जब एक किसान से उसका हक छीन लिया जाता है, उसे मजबूर कर दिया जाता है अपनी आत्महत्या करने पर, फिर चाहे वो एक घूंट जहर से हो या एक फुट फांसी के फंदे से। अरे जाग जाओ, खड़े हो जाओ और तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरें। और अगर फिर भी आप लोगों को अगर इसी तरह एक जानवर की तरह, गुलाम की तरह एक जिंदगी जीनी है तो शौक से जिए जाओ। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं। नमस्कार।